हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे सलवार में पॉकेट लगाना। तो दोस्तों, ये हमने 8.5 इंच की बेल्ट कटिंग कर रखी है, ये हमने बना रखी है, नेफा भी बना रखा है। तो फ्रंट जो नेफा है वो 3 इंच का रहेगा, निशान हम लगा रखा है, नीचे की बेल्ट 6 इंच की रहेगी। और साइड में हमने ये छोड़ रखा है जिसमें हमने राइट साइड में पॉकेट लगानी है, और सेंटर का जो नेफा है बैक सेंटर बना लेना है इस तरह से निशान लगा कर, ये देखिए। और राइट साइड में हमने पॉकेट लगानी है, तो राइट साइड में एक साइड खुली छोड़ना है, ये देखिए इस तरह से। अभी हम इसको हटा देते हैं, आपको पॉकेट कटिंग करके दिखाते हैं। और नीचे की साइड भी देख दोस्तों, ये कट लगा लें सेंटर का बैक साइड के लिए, जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो उसमें काम आएगी। अभी इसको हम हटा देते हैं, नॉर्मली बेल्ट जैसे कटती उसी तरह से कटिंग करेंगे। हमने पॉकेट कटिंग कर लेनी है दोस्तों, ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा ले रखा है, 14 इंच की लंबाई रखनी है पॉकेट की, ये देखिए। साढ़े पाँच 6 इंच इस तरह से रखना है, जितना भी आपको चौड़ाई लेनी है 6 इंच, और 6 इंच नीचे से रखना है, ये देखिए। और एक सीधा निशान लगाना है इस तरह से, और ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाना है, ये देखिए। और यहाँ से इस तरह से शेप देनी है, और इसको यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक का सेंटर बना लें, और उसके बाद इसमें हमने साइड में बेल्ट में पॉकेट अटैच करनी है। पॉकेट अटैच करने से पहले दोस्तों बराबर से चेक कर लें, नेफे से 1/2 इंच ऊपर पॉकेट रखकर अटैच करनी है, कट लगा लें, ये देखिए इस तरह से। इतना ऊपर रखें कि जो पॉकेट का मार्जिन है वो नेफे में अटैच हो जाए, बाहर ना दिखने पाए, ये देखिए। हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और नीचे से भी 1/2 इंच छोड़ना है हमें, ये देखिए। पूरा नीचे तक अटैच नहीं करना है, और 5.5 या 5 इंच आप जितना भी ओपन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ये देखिए। हमने 1/2 इंच नीचे से भी छोड़ा है, ये चीज़ ज़रूर छोड़नी है, पूरा नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पक्का करके धागा फिनिशिंग से कटिंग कर दें, और यहाँ पर कट लगा लें ऊपर और नीचे की साइड दोनों साइड, और ये नाखून से प्रेस कर लें इस तरह से, और ऊपर नीचे की साइड फोल्ड करके ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है एक पैर की, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए एक साइड हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से रखकर दूसरी साइड भी हमने अटैच कर लेना है। दूसरी साइड भी दोस्तों इसी तरह से 1/2 इंच नीचे से छोड़ना है, 5.5 इंच तक सिलाई लगानी है।
कट लगा लेने हैं नीचे ऊपर, नाखून से प्रेस कर लें अच्छे से। अब ये पॉकेट हमने इस तरह से फोल्ड करके इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है और इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। इस पर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, ऊपर की साइड भी सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पॉकेट बैठ जाए अच्छे से। ये देखिए हमने जो नीचे मार्जिन छोड़ रखा है आधा इंच, उसके ऊपर सिलाई नहीं है चढ़ानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे पक्का करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि पॉकेट ऊपर नीचे ना भागे नेफा फोल्ड करते समय। ये देखिए अब हम इसको नेफे को फोल्ड कर देंगे, जो पॉकेट का मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा। एक इंच चौड़ा नेफा फोल्ड करना है दोस्तों, ज़्यादा चौड़ा नेफा फोल्ड नहीं करना है। आपने जितनी बेल्ट कटिंग करी उसी हिसाब से 1.25 इंच नेफा आप फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बेल्ट का नेफा भी फोल्ड हो चुका है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें, बैक का सेंटर पहले ही बना लेना है। फ्रंट का नेफा और बैक का सेंटर, ये हमारी पॉकेट भी लग चुकी है। अब हम आपको सलवार में बेल्ट लगा कर दिखाते हैं। फ्रंट के नेफे के सेंटर को सेंटर में, आसन के सेंटर में रखकर हाफ इंच पे सिलाई लगा कर अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये हमने बेल्ट का जो सेंटर बनाया था वो बैक के आसन के सेंटर में इस तरह से बॉक्स प्लेट डालने के बाद सेंटर से मिला देना है। ये देखिए, जो हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा हुआ था ये इसीलिए छोड़ा हुआ था, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगकर अटैच हो जाएगा। अब पॉकेट भी नहीं दबेगी। ये देखिए हमारी बेल्ट कम्प्लीटली लग चुकी है। चलिए अब हम आपको सीधी करके सलवार दिखाते हैं, पॉकेट किस तरह से लगी है। ये देखिए दोस्तों,
बहुत ही फिनिशिंग के साथ। हमारी बेल्ट और पॉकेट दोनों लगकर तैयार है। ये देखिए, तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इसी तरह से सिलाई से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। ये देखिए, आप इसमें फ़ोन, वॉलेट वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं फ़ोन वॉलेट वगैरह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।